हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में क्विकर अप्रोच टू प्रीलिम्स के सेशन में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट फोर पे बात करेंगे। तीन पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने उन तीन पार्ट को नहीं देखा है तो जाके देखें। प्रीलिम्स में स्कोर कैसे करना है, क्या क्या अप्रोचेज लगाने हैं, कैसे कैसे सवालों को डील करना है, कैसे एक लाइन में बनाना है, कैसे उन चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग बनाना है, वो तीन पार्ट में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनकी प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ। सारे क्वेश्चन लगभग में अलग हैं तो आपको एक अलग नजरिया मिलेगा देखने का, आप जाके उसको जरूर एक बार देखें। बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोगों का पहले से हो चुका है, हम लोग 21वें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और 21वां नंबर क्वेश्चन हमारा जो है कुछ इस तरह का, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हमारा सेशन। क्या बोल रहा है हमारे सवाल में, पहला सवाल क्या बोल रहा है देखो। पी कैन सेल 500 ब्रेड, 500 ब्रेड को जो है पी बेचता है कितने घंटे में, 4 घंटे। क्यू कैन सेल द सेम नंबर ऑफ ब्रेड इन 5 आवर, क्यू कितना देर में बेचता है, 5 घंटे में। वाइल आर कैन सेल इन 6 आवर, आर 6 आवर्स में बेचता है उतना ही, 500 ही, ठीक है। अब देखो जिनका प्रैक्टिस होता है ना वो इस चीज को समझ गए कि इस 500 की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसा जरूरत नहीं है, अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि भैया 500 ब्रेड बेचना है तो टोटल काम दिया हुआ है तो हम माने क्यों, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उस 500 के अकॉर्डिंग मानेंगे तो ये एफिशिएंसी उसी 500 के अकॉर्डिंग आएगा, अगर हम अपना मानेंगे तो ये एफिशिएंसी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। ये चीज को सीधा सीधी समझो, तो एलसीएम कितना हो गया 60, 4 से कटेगा कितना बार में, 15 बार में, 5 से कटेगा 12, 6 से कटेगा 10 बार, ठीक है। ऑल द बेकरीज आर ओपन एट 8 AM, 8 बजे सब खुल गया, ठीक है। पी इज क्लोज एट 9 AM, पी 9 बजे बंद हो गया, मतलब एक घंटे तक तीनों ने 7 खोल के रखा। एक घंटे में कितना करेगा, 10, 10, 20, 10, 30 और 7, 37, यानी कि 37 यूनिट काम हो गया हमारा, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 2 बेकरीज कंप्लीटेड द टारगेट ऑफ सेलिंग 500 बेड, दैट इज आवर 600, 60, 500 खत्म हो गया हमारा, ठीक है। बाकी 2 बेकरीज जो है अपना टारगेट को पूरा किया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली एट वट टाइम वर्क विल बी फिनिश्ड, वर्क आ गया ना लास्ट में, अल्टीमेटली तो उसने वर्क ही बोल दिया ना कि 500 ब्रेड जो है सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए हो गया। अब पी बंद हो गया तो काम कौन करेगा, क्यू और आर करेगा, 10, 10, 20 और 2, 22, आगे कुछ एक्स घंटा तक काम करेगा, 60 काम हो जाएगा हमारा यहाँ, 37 में 60 चला जाएगा तो बचेगा 23 और नीचे आ जाएगा 22, ये लगभग में 1 घंटा कुछ मिनट देगा, अप्रोक्स में ही पूछा है। देखो 9 बजे तक तो सब चला था, 9 बजे तक का तो हमने काम तमाम कर दिया था, ये जो एक्स लिया था हम लोगों ने 9 बजे के बाद में लिया था, यानी कि 9 बजे के बाद 1 घंटा कुछ मिनट और लगेगा और ये लगभग में हमारा 10 मिनट, 10 बजे पहुंच गया। 9 AM से 1 घंटा कितना हो गया, 10 AM ना, वो ही हमारा आंसर, दैट्स इट, कितना ही था सवाल में, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, 3 fill pipes, फिर पाइप से रिलेटेड है, कोई एक बकाने का जरूरत नहीं है, अभी मैंने पाइपिंग सिस्टम नहीं शुरू करा है, टाइम एंड वर्क के जैसा ही सवाल है, तीनों भरने वाले हैं, हालांकि अगर खाली करने वाला भी होता कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, ठीक है। देखो तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इस सवाल में आते हैं हम लोग, ए बी और सी, ठीक है। ए 12 मिनट में भरता है, बी 15 मिनट में और सी जो है वो 22 मिनट में। टोटल अगर हम लोग एलसीएम लें तो 12 और 15 का 60 हो जाएगा और 22 से कुछ कटने वाला हम लोग 660 ले लेते हैं, ठीक है। अगर 12 से काटोगे तो 5 और 5 55 बार में, 15 से काटोगे तो 4 और 4 40 बार में, 22 से तो सब सब दिख रहा है 30 बार। अब देखो सवाल में क्या है हमारा सवाल, ए वाज ओपन फर्स्ट, ए को पहले खोला गया, आफ्टर 2 मिनट बी वाज ओपन, 2 मिनट के बाद बी को खोला गया, एंड आफ्टर 2 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बी सी वाज ऑल्सो ओपन, सी को भी खोल दिया गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ए ने स्टार्ट किया 2 मिनट के बाद बी खोला, ठीक है, क्या हुआ 2 मिनट के बाद बी ने खोल दिया, ठीक है। अब उसके 2 मिनट के बाद जो है कौन खोल रहा है, हमारा सी खोल रहा है, ठीक है, उसके 2 मिनट के बाद क्या हो रहा है, सी खोल रहा है। अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग बी को स्टार्टिंग से अगर हम खोलते, ठीक है, 2 मिनट के बाद जो नहीं खुला, 2 मिनट के बाद जो हम लोग खोले, ध्यान से समझना भाषा को मैं कैसे बदल रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट के बाद जो खुला, अगर मैं बोलूं कि बी को मैं स्टार्टिंग से खोल दूं तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे बी को 2 मिनट पहले खोलना होगा, खुलना होगा ना, जब बी को 2 मिनट पहले खोलना है तो 2 मिनट में ये कितना काम करेगा, 44 गुने 2 यानी कि 88,
ठीक है, आफ्टर 2 मिनट, बी के खुलने के 2 मिनट के बाद, मतलब ए के खुलने के 4 मिनट के बाद सी को खोला गया था। अगर मैं बोलूं कि सी को स्टार्टिंग में ही ले आते हैं तो कितना देर सी को काम कराना था, 4 मिनट, 4 × 30 कितना हो जाता, 120 हो गया, 8 × 2 = 10, 6 × 16 = 6, 1 हाथ में, 6 × 7 = 8, 868, यही नाम आ रहा है। अब क्या हो गया हमारा, सारे लोग जो है अब शुरू से काम कर रहे हैं। अब हमसे क्या पूछा सवाल में, फाइंड द टाइम व्हेन द सिस्टम विल बी फुल, उस समय को बताना है जब सिस्टम फुल होगा। फुल क्या होगा, शुरू से लेकर अंत तक तो सब काम कर रहे हैं, 55, 44 और 30, 55, 44, 99 और 30 जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये दे देगा हमें 129। मतलब क्या हो गया हमारा सवाल, मतलब क्या हो गया हमारा, जो समय निकालना है उस समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वर्क में 129 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मान रहा हूं मैं थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 129 का एक ही ऑप्शन है। ठीक है, और इसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद ये वही देगा 66 होल 94 बाई में 129, और ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा तुम्हें सॉल्व करने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये आंसर है ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 होल 94 बाई में 129। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को आसान कर सकते हैं। और ये भाषा का यूज करना जो है, मैंने इसके पहले वाले सवाल में, इसके पहले वाले वीडियो में एक दूसरे तरीके से समझाया था। ठीक है, एक दूसरे टाइप के सवालों में समझाया था, और अभी फिर से एक दूसरा टाइप का सवाल। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच्ड है, आप जाके चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, हर एक वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है। बताओ मैंने कितना समय बचा लिया अपना, अरे कम से कम, नहीं से नहीं भी तो मैंने 20 सेकंड तो चलो बचाया ना। ठीक है, 20 सेकंड बचाया, 20 सेकंड में कम से कम 2 कैलकुलेशन कर लोगे, और 2 कैलकुलेशन बहुत है, 2 मान लो सिंप्लीफिकेशन तुमने कर लिया। ठीक है, चीजों को समझो और डायरेक्ट करने का कोशिश करो। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, राजू डोलू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, राजू एंड डोलू 18 दिन और 24 दिन रिस्पेक्टिवली, अच्छा सॉरी अकेले अकेले दिए हुए। ठीक है, तो अकेले अकेले ले लेते हैं हम, राजू जो है अकेले 18 दिन में करता है और डोलू जो है वो 24 दिन में करता है। ठीक है, राजू एंड डोलू वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड लेफ्ट द वर्क। चलिए बस इतना ही है, हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 72 LCM, 18 से 4 बार में 24 से 3 बार, यही है ना। अब क्या बोला इसके बाद सवाल में, देख लो यहाँ पे बोल रहा है कि राजू जो है वो क्या करता है, काम शुरू करता है, राजू और डोलू दोनों काम शुरू करता है, एंड आफ्टर टुगेदर फॉर 6 डेज, 6 डेज के बाद राजू लेफ्ट द वर्क, 6 दिन तक काम किया, राजू छोड़ के चला गया। ठीक है, चलो 6 दिन में इन लोगों ने काम कितना किया, 4 × 3 = 7, 7 × 6। इसके बाद क्या हुआ, इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय डोलू एंड कालिया, एक नया बंदा आया है, कौन सा है, कालिया। ठीक है, तो डोलू का एफिशिएंसी तो मालूम है हमको, लेकिन कालिया का नहीं मालूम है, हम कालिया का ये मान लेते हैं। और इन्होंने कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक, और काम जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कौन सा काम, 72। अब बोल रहा है कि यदि अगर कालिया अकेले काम करता तो कितना दिन लगता काम खत्म होने, मतलब के का एफिशिएंसी निकल जाएगा, मतलब हमको क्या निकालना है, 72/k निकालना है। ठीक है, 7 × 6 = 42 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 30। अब 30 और यहाँ 4 × 3 = 12, 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 18। यानी k की वैल्यू जो निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई, 18/4। अब ये सब चीज तुम्हें डायरेक्ट करना सीखना होगा, क्योंकि तुम प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये चीजें तुम्हें डायरेक्ट, ये क्वेश्चन लिखने के बाद जो है तुम्हें ये डायरेक्ट, हालांकि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया एग्जाम में, तो तुम्हें ये भी नहीं लिखना, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है 72 है तो 6 दिन तक काम किया तो 42 चला गया तो 30, और इधर से तुम्हें ये डायरेक्ट देख लेना, ये प्रैक्टिस पे तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से के का वैल्यू यहाँ से निकल गया, हमें एसी का ना सॉल्व करना है, तो 72/18 और ऊपर में 4 नहीं काट रहा हूं मैं, क्योंकि 18 से मुझे मालूम है 4 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, 16 दिन हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए 16 दिन। क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल ट्राई करते हैं, अगला देखो क्या हमारा क्या बोल रहा है हमारा सवाल में, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 20 एंड 16 डेज। तो एलसीएम हम लोग यहीं पे ले लेते हैं, 12, 20 और 16 का एलसीएम जो है हम लोग 240 आएगा हमारा, ले लिया 240। ठीक है, 12 से 20 बार में, 20 से 12 बार में और 16 से ये 15 बार में कट गया। ठीक है, पहले सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं, दे टू स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट, ए ने 6 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। ठीक है, बी लेफ्ट द वर्क 6 डेज बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने के 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट्स कंप्लीटेड, कितना दिन में जो है ये काम खत्म हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है,
तुम्हें याद होगा इसके पहले वाले सेशन में मैंने बताया था कि काम जब छूटता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, लेकिन उसमें मैंने एक कंडीशन बताया था कि अगर कोई बंदा बीच में छोड़ रहा है, उसका डेफिनेट टाइम मालूम है हमको कि वो इतना दिन करके छोड़ रहा है, तो वहां पर हम लोग को वो चीज अप्लाई नहीं करना है, वहां पर कुछ और अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? थ्योरी देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली भाषा बनाना सीख जाओगे, अभी तक मैं तो सिखाई दिया हूं मैं, ठीक है? तो चलो आप थ्योरी से इस सवाल को बनाते हैं और भाषा खुद ब खुद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि भाषा बनती है कि नहीं बनती, ठीक है। अब यहां से मैं बोलूं कि मेरा टोटल जो है वो एक्स दिनों तक काम चला, ठीक है, मैं यहां से यहां बोल दे रहा हूं टोटल काम जो है मेरा एक्स दिनों तक चला, देखो इसमें भाषा क्या है, कोई खास भाषा नहीं है, ठीक है। दे स्टार्टेड द वर्क टूगेदर बट आफ्टर सिक्स डेज, छह दिनों तक तो उन लोगों ने काम किया ना साथ में, ध्यान समझना, छह दिनों तक उन लोगों ने, सभी लोगों ने साथ में काम किया, ठीक है। कौन लोगों ने? 12, 20 और 15, 20, 10, 30, 10, 40 और 7, 47, यानी ये हो गया तुम्हारा 47 होने में कितना, 6, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे तो इसके बाद तुम्हें क्या बोल रहा है कि बी लेफ्ट 6 days बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने के 6 दिन पहले बी छोड़ दिया, ठीक है। तो बी जब काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़ रहा है तो यहाँ पे तो उसने 6 दिन कर ही लिया, हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे जो है बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन तुम्हारे लिए बढ़ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जब 47 गुणे 6 करोगे तुम, ये ऑलरेडी 240 पार हो गया, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन तो खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, अब ये चीज को समझो, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग क्या बोल दिया यहाँ पे कि टोटल काम मेरा एक्स दिन तक चल गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना, टोटल काम जो है मेरा एक्स दिन तक चला, ठीक है। अब इन एक्स दिनों में ए ने कितना दिन तक काम किया, शुरुआत के 6 दिनों तक काम किया, तो ए को 6 दिन तक काम करवा दो, ठीक है, ये कंसेप्ट तुम्हारा फेल हो गया कि टोटल को करवा दे रहे हैं वो वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, टोटल मान लिया मैंने एक्स दिन, ए ने 6 दिन तक काम किया, ठीक है, अब उसमें फिर क्या होगा, बी ने शुरू से लेके अंत तक में से 6 दिन कम काम किया, 6 दिन पहले बी छोड़ के चला जा रहा है ना, तो x दिन में अगर टोटल काम खत्म हो रहा है तो b कितना दिन में करेगा, x माइनस 6 डेज में करेगा, ठीक है। अब आगे c के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं है, तो c ने शुरू से लेके अंत तक काम करा और इस तरीके से हमारा जो है 240 काम समाप्त, बस 6 × 12 = 120, 120 अब बच गया यहाँ पे, 12 × 6 कितना, 72, क्योंकि ये माइनस में है, उधर जाके जब तुम ऐड करोगे तो 72 + 120 में जब तुम जोड़ दोगे तो ये 192 देते, 12x और 15x कितना हो गया, 27x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 27, 3 से काट दो 9 बार में, 3 से काट दो 6 बार में और 4 बार, 64 हो गया, यानी यही देगा 7 whole 1/90। हम सही पूछा था काम कितने दिनों में खत्म होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता है हर बार जो हम लोग सोच रहे हैं वो वहां पे हमारा काम करे, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरीके से अगर हम लोगों ने काम कराया कि इसमें ए बी और सी एक ही पैटर्न को हम लोग कभी भी लेके नहीं चल सकते कि ए बी ने सी ने काम किया 6 दिन तक और उसके 6 दिन पहले ये छोड़ के चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। ये सवाल में क्या बोला कि 6 दिनों तक काम करने के बाद ए छोड़ देता है और बी 6 दिन पहले कर रहा है, ठीक है, 6 दिन पहले छोड़ रहा है, तो चलो ठीक है बी 6 दिन पहले छोड़ रहा है, हमें तो ये वाला टाइम भी नहीं मालूम है यहाँ पे और ये वाला टाइम भी यहाँ पे नहीं मालूम इस ग्राफ में, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है फेल हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को समझो और ये पूरी तरीके से गलत प्रोसेस है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे जो है ये गलत तरीके से इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गलती कभी मत करना एग्जाम, ये दोनों टैप जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है, दोनों सवाल को देख लो, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जज कर लो, आसानी से समझ लो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखो क्या है, सचिन एंड अद्वित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 और 24 डेज, तो टोटल एलसीएम हो गया 24, ये हो गया 2, ये हो गया 1, इफ दे वर्क अलोन, ठीक है, दे बिगेन टुगेदर द वर्क, काम शुरू करते हैं, सचिन लेफ्ट 6 डेज बिफोर द वर्क वाज ओवर, सचिन 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। अब मैंने क्या बोला था तुम्हें, अगर वो 6 दिन पहले नहीं छोड़ता तो कितना काम करता, 6 × 12 काम, तो काम हमारा कितना हो गया 36, शुरू से लेके अंत तक का काम कितना हो गया 36। अब बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड, तो शुरू से लेके अंत तक कौन काम कर रहा है, ये दोनों काम कर रहा है, 36 काट दो 12 बार में, हो गया हमारा 12 दिन आंसर, टोटल कितना दिन हो गया, 12 दिन हो गया,
मैंने क्या बोला था कि अगर वो एक बंदा के बारे में बात करे या दो बंदा के बारे में बात करे या तीन के तीन बंदे के बारे में बात कर दे कि वो इतना इतना दिन पहले छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट लगा ये वाला अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दे कि एक बंदे का फिक्स्ड है कि वो वहीं तक काम कर रहा है और उसके बाद छोड़ दे रहा है, तो वहां पे नहीं लगेगा, जो कि हमारा ये पिछला नंबर सवाल देख लो, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना कि कौन सा सवाल कैसा होता है, ये जजमेंट तुम्हें करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। चल आगे बढ़ते हैं। और ये सब प्रीलिम्स वगैरह में ऐसा ज्यादा दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि तुम कंफ्यूज करते हो उन सब चीजों में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी किसी काम को कितना दिन में करता है, 8, 6 और 24 दिन में करता है। तो 8, 6 और 24 दिन, ठीक है। टोटल एलसीएम अगर हम लोग ले लें तो टोटल एलसीएम 48 हो जाएगा, 8 से 6 बार में, 16 से 3 बार में, 24 से 2 बार, ठीक है। दे ऑल बिगेन टूगेदर, दोनों ने साथ काम शुरू किया। जब साथ काम शुरू किया उसके बाद क्या बोल रहा है, ए कंटिन्यूज टू वर्क द वर्क टिल इट इज फिनिश्ड, शुरू से लेकर अंत तक ए काम करता है। सी लिविंग ऑफ 2 days, ठीक है, 2 days, एंड बी 1 day बिफोर इट्स कंप्लीशन, ठीक है। सी जो है 2 दिन पहले और बी जो है 1 दिन पहले। देखो मैंने अभी बताया था तुम्हें, अभी मैंने क्या बताया तुम्हें कि अगर तुम्हें दो बंदों के बारे में मालूम है और किसी का फिक्स नहीं है, यहाँ पे ये मत समझना कि ए का फिक्स्ड है, ये जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए लाइन होता है, ठीक है। तो अगर फिक्स नहीं है तो हम लोग जैसे अपना अप्रोच लगा रहे हैं वही अप्रोच से हम लोग करते जाएंगे कि 48 मेरा काम था, अगर सी 2 दिन पहले नहीं जाता तो 2 दिन में कितना काम करता, 2 × 4, अगर बी 1 दिन पहले नहीं जाता तो 1 दिन में कितना काम करता है, 1 × 3, 3, 4 × 3, 7, यानी कि कितना हो गया, 55, ठीक है। अब शुरू से लेके अंत तक सारे लोग काम कर रहे हैं, टोटल समय कितना लगेगा, 6, 3, 9, 2, 11 टाइम निकालना है। टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, 55/11, यानी कितना दिन, 5 दिन। चुटकियों में तुम सवाल को दे सकते हो आंसर, चुटकियों में, मैं बता रहा हूँ ना, चुटकी बजाते के साथ, ऐसे चुटकी बजाते हो ना, ऐसे चुटकी बजाते के साथ एग्जाम में आंसर दे सकते हो, बस चीजों को समझोगे तो। ये डिफरेंस समझ लेना, ये 26 नंबर वाले सवाल में और 24 नंबर वाले सवाल में, ये दो सवाल में डिफरेंस समझ लेना, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखो कि किन सवालों को कैसे करना है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कंपेयर करना है 17 नंबर वाले को 24 नंबर वाले सवाल से, थोड़ा सा एक तुलना कर लेना। आगे और भी सवाल आएंगे और भी मैं पॉइंटेड करते चलूंगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो हमारा क्या बोलता है। बी इज 20% मोर इफिशियंट देन ए, ठीक है। बी जो है 20% अधिक इफिशियंट है ए से, तो बी जो है भैया ए से 20% अधिक है। ए से ना 20% कितना होता है, 1/5, तो ए अगर 5 तो ये 6। सी इज 50% मोर इफिशियंट देन बी, तो बी को हम लोग यहां से ये 6 ले सकते हैं क्योंकि इसका 50% हम लोग निकाल सकते हैं। 6 का 50% कितना होता है, 3, यानी बढ़ के कितना हो जाएगा, 9। इफ ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए बी सी मिल के किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। C का एफिशिएंसी 9, B 6, 9, 6, 15, 15, 5 कितना, 20, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 15 × 20, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय B एंड C, B और C के द्वारा 9, 6 कितना हो गया, 15, तो बड़ा आसान सवाल था, 15, 15 खत्म, 20 दिन आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, B हो गया ऑप्शन, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल देखो, ये सवाल जो है बहुत तरीके से पूछा जाता है, कैंडल के रूप में पूछा जाता है, वॉल के रूप में पूछा जाता है, मोस्ट पॉपुलरली ये कैंडल के रूप में पूछा जाता है। देखो अगला एक सवाल मैं दिखा रहा हूँ, ये 2 candles ऑफ इक्वल लेंथ, ये दोनों ही सवाल एक जैसे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इस सवाल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले सवाल में आएंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन टेक्निक हम लोग लगाएंगे कि हम लोग को आगे के सवालों में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो क्या हमारे 2 identical walls ऑफ सेम हाइट, 2 identical walls है सेम हाइट का, कैन बी बिल्ट इन 8 hours and 10 hours, 8 घंटे और 10 घंटे में बनाया जा सकता है, ठीक है, by A and B, ठीक है। तो टोटल काम हम लोग यहाँ से जो है मान लेते हैं 8 और 10 का कितना हो जाएगा हमारा LCM 40, तो 8 × 5, 10 × 6, ठीक है। इफ बोथ स्टार्ट बिल्डिंग द वॉल, दोनों ने काम करना शुरू किया, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने देर के बाद, रेशियो ऑफ द अनबिल्ड पार्ट ऑफ द वॉल, अनबिल्ड मतलब जो निर्माण नहीं किया गया, ठीक है, बिल्ड पार्ट ऑफ द वॉल इन द रेशियो 15:16 becomes 15:16,
मतलब जो पार्ट कितने देर के बाद जो है नहीं बना हुआ पार्ट जो है वो 15:16 हो जाए, ठीक है। ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेट से कि हम लोग बोलते हैं टी घंटों के बाद ऐसा होगा, ठीक है। मतलब टी घंटों तक, कुछ देर तक, वो टी घंटे तक ए और बी ने तो काम किया, कितना काम किया पहले ये देख लो। अगर मैं बोलूं ए ने टी घंटों में कितना किया, तो 5 टी किया, और बी ने टी घंटों में कितना किया, 4 टी किया। अच्छा, ये रेशियो किसका है, बचा हुआ का रेशियो है, ये रेशियो बचा हुआ का है। अगर मैंने 40 में से 5 टी कर लिया तो मेरा बचा कितना, 40 माइनस, अगर 40 में से मैंने 4 टी को घटा दिया तो मेरा बचा हुआ काम निकल गया, क्या हो गया, 15/16। अब बोलो इतना बड़ा कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। मेरे को बोलो मैं तो छुट्टियों में कर दूंगा कैलकुलेशन, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ, पहला सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये 40 × 16 होगा क्या, गुना मत करना बस, ठीक है, इसे चाहो तो गुना कर दो, 16 × 5 कितना, 80, ठीक है, बराबर में के 15 × 40 देगा क्या, और इसे गुना कर दो 60 टी, ठीक है। 40 × 16, 15 × 40 इधर आएगा, 40 कॉमन ले लेंगे, 16 में 15 चला जाएगा, एक क्या बच गया, 40 इज इक्वल टू 80 टी है, 80 टी उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 20 टी, कितने देर के बाद, 2 घंटे के बाद, बोल सकते हो तुम 2 घंटे के बाद हो गया हमारा आंसर, कितना हो गया, 2 घंटे के बाद जो है ये इतना 15:16 में अनबिल्ट रहेगा। अब यहां से समझो, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा इक्वेशन बनता है तो तुम क्या करोगे, ठीक है, कैसा इक्वेशन, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल है तो कुछ मत करो, इधर वाले इन दोनों का अंतर देखो कितने का है, कितने का अंतर मिला, एक का, उसको किसी एक के साथ गुना कर दो, तो 40 × 1 यहाँ पे हो गया, और इधर थोड़ा सा देख लो ना, 16 × 5 और 15 × 4, 16 × 5 = 80 और 15 × 4 = 60, कितना हो गया घट के, 20, लिख दो 20 भैया, हो गया आंसर, समझ में आई बात, तुम्हें इधर क्लियर होगा। अगला सवाल हम लोग चलते हैं, अगले सवाल पे जाने से पहले, आपने अगर अगला सवाल तक वहां तक आप अगर आ गए हो, वीडियो देख रहे हो, अगर स्किप नहीं किए हो तो पॉज करके पहले खुद से बनाने का कोशिश करना, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है, और जैसे मैंने बताया है वैसा ही करना, ठीक है, जरा भी ऊपर नीचे मत करना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखो क्या, देर आर टू कैंडल ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट थिकनेस, कोई मतलब नहीं, ठीक है, लंबाई बड़ा है ना, बर्न्स टुगेदर, ठीक है, इफ फर्स्ट कैंडल टेक 6 आवर, पहला 6 घंटे लेता है और दूसरा 8 घंटे लेता है, ठीक है, तो टोटल दोनों की लंबाई मैंने मान ली 24, ठीक है, 6 से 4, 8 से 3 बार बोल रहा है, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स फर्स्ट कैंडल बिकम हाफ ऑफ सेकेंड, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों के बाद पहला कैंडल जो है दूसरे कैंडल का क्या हो जाएगा, आधा, फर्स्ट कैंडल बिकम्स हाफ ऑफ द सेकेंड कैंडल, मतलब दूसरा कैंडल अगर 2 है तो पहला कैंडल कितना हो जाएगा, 1, कितने घंटों के बाद, 4, कितने घंटों के बाद होगा ये, ठीक है, तो मैंने बोल दिया टी घंटों के बाद, तो टी घंटे में मैं अगर बात करूं काम की, तो मैंने कितना काम किया, ए ने कितना किया, 4 टी, और बी ने कितना किया, 3 टी, अभी मैंने बताया था, ठीक है, और चूंकि मुझे बचा हुआ चाहिए तो 24 में घटा देंगे, 24 में घटा, अब क्या इसको सॉल्व करेंगे, नहीं, 2 और 1 का अंतर 1, तो 24 × 1 = 1, 4 × 8 और 3 × 1 = 3, 8 में 3 = 5, इधर 5 टी, टी के वैल्यू आ गई 4.8 आवर, इजिली आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपने पॉज करके वीडियो को जो है अच्छे से समझा होगा और पहले सवाल को ट्राई किया होगा और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देगा, ठीक है, सारा चीज तुम्हारे ही हाथ में है, सीखो, बनाओ, प्रैक्टिस करो, जितना करना है करते रहो, सारा चीज करो और पढ़ते रहो, बस लॉकडाउन का समय है, टाइम को यूटिलाइज करो, ऐसा नहीं करो कि हाँ मैं बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहे हो तो किताब का सहारा लो, ठीक है, स्टे सेफ, घर में रहें, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू।